ऐसे हो मेरे प्यारे प्यारे भक्त लोग, आज मैं आप सभी को बहुत ही पावरफुल ओसिकन टोटका बतलाने वाला हूँ, जिसमें बिना स्त्री से बात किए, बिना उससे भेंट किए, बिना मुलाकात किए आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कार्य करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको एक भोजपत्र लेना है और एक लाल स्याही लेना है, बस अपने घर में ही बैठे देखिए कैसे वशीकरण ताबीज आपको बनाना है। ये वशीकरण ताबीज बनाकर जैसे ही गले में धारण कर लीजिएगा और सिर्फ एक बार उस स्त्री के सामने चले जाए किसी भी बहाने से, आपको उसे बात नहीं करना है, बात तो अब वो करेगी आपसे, क्योंकि आपके गले में होगा ये वशीकरण ताबीज जो कि उसके ही नाम से बनेगा वशीकरण ताबीज, और अपने गले में धारण कर ले और सिर्फ एक बार किसी भी बहाने से उसके सामने चले जाए, मैं दावा करता हूँ कि वो स्त्री आपके प्यार में ट्रपने लगेगी, बेचैन हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा मेरे भक्त लोग हम कैसे वशीकरण ताबीज बना रहे हैं, जैसे जैसे बना रहे हैं, जैसे जैसे सिद्ध कर रहे हैं, डायरेक्ट आप सभी को हम बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। जहाँ भी दिक्कत लगे नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मेरे भक्त लोग, मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। तो आइए बतलाते हैं। सबसे पहले आपको भोजपत्र एक खरीद लेना है, इतना ही साइज का होता है भोजपत्र। आपको क्या करना है, भोजपत्र के सबसे ऊपर वाला भाग में आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ओम 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 सा सा सा। उसके बाद में बीच में आपको देखना, देखिए क्या लिखना है, ओम कामाख्या देवी, ओम कामाख्या देवी। उसके बाद में यहाँ पे लड़की लड़की का नाम लिखना है, ठीक है ना, जिस लड़की का वशीकरण आप करना चाहते हैं उस लड़की का नाम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, जिस भी लड़की का वशीकरण करना चाहते हैं उस लड़की का नाम हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ओम कामाख्या देवी, लड़की का नाम मम, उसके बाद में वश्यम वश्यम, कुरु कुरु, फट स्वाहा। देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भक्त लोग, ओम कामाख्या देवी, यहाँ पे लड़की का नाम रखेंगे, कोई भी जिस लड़की का वशीकरण करना चाहते हैं, चाहे वो कुंवारी हो, शादीशुदा महिला हो, उसका नाम यहाँ पे रख देना है। उसके बाद में मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा, इतना लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से मोड़ देना है, इस प्रकार से भोजपत्र पर ही रहना चाहिए, ध्यान देना है कि भोजपत्र पर ही लिखना, ठीक है ना। उसके बाद में लाल स्याही से ही लिखना है, ठीक है ना, क्या करना है, इसको इस प्रकार से मोड़ देना है, जैसे कि हम मोड़ रहे हैं, इस प्रकार से मोड़ देना है, मोड़ कर छोटा सा भाग बना लेना है। और जो ताबीज का कवर मिलता है दुकान में, वो ताबीज का कवर आपको खरीद लेना है, और ताबीज का कवर खरीदने के बाद में इसको क्या करेंगे, उसमें भर देंगे। भरने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मात्रा में 2-3 दाना चावल का रख देना है। उसके बाद में कामाख्या सिंदूर थोड़ी सी मात्रा में रख देना है। उसके बाद में जो मोम होता है, मोमबत्ती, उसको क्या करेंगे, बाहर से भर देंगे, जिससे क्या हुआ, यह बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद में आपको काली धूप जलाना है, काली धूप जो होता है मेरे भक्त लोग, उसको क्या करना, अपने सामने जला लेना है और इस ताबीज को आप उसके ऊपर इस प्रकार से दिखा देना है। इससे क्या होता है मेरे भक्त लोग, कि काली धूप से जो भी सकारात्मक ऊर्जा निकलता है उस नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपके इस ताबीज यह सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और पावरफुल यह असर दिखाना शुरू हो जाता है। और क्या करना है, लड़की का 7 बार नाम लेकर इसको अपने गले में धारण कर ले, लाल धागे में या काले धागे में इसको अपने गले में धारण कर ले, ऐसे धारण करना है कि वो ताबीज आपको दिखना चाहिए। बस उस स्त्री के सामने आपको सिर्फ एक बार चले जाना है, मैं दावा करता हूँ वो स्त्री जैसे ही आपके गले में वो ताबीज देखेगी, उसके दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भरना शुरू हो जाएगा, वो आपके बिना नहीं रह पाएगी। ये बहुत ही पावरफुल है, मैंने बहुत सारे के ऊपर मैंने आजमाया है, बहुत सारे को मैंने बनाकर भी दिया है यह ताबीज, मैंने बहुत सारे लोगों को, मैंने करीबन 1,50,000 लोगों को मैंने बनाकर दिया है यह ताबीज, और सबका वशीकरण एकदम सफल हुआ है मेरे भक्त लोग। यदि आपको जहाँ भी समझने में दिक्कत हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे।